तो ये देखिए आज की ये वीडियो कितनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग, तो नए उत्साह के साथ। तो वो आपको दूर नज़र आ रहा है यहाँ से एक पुरानी हवेली, तो ये है यहाँ के राजा का महल। तो अभी तो ये इसका कुछ एरिया इन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के लिए दे दिया है। तो अभी वो यहाँ पे तो नहीं रहते हैं, थोड़ा हट के उन्होंने अपनी हवेली डाली है, वहाँ रहते हैं। तो कभी हम इधर भी जाएंगे और अच्छा अंदर से पूरा मैं आपको व्यू दिखाऊंगी कि क्या है इसके अंदर, कैसा महल दिखता है। बाकी उनकी अपनी कोठी में तो पता नहीं, परमिशन लेके ही जाना पड़ता होगा, वैसे किसी के घर में कैसे चले जाओगे। तो ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी परमिशन लगती है, तो पर पापा जी के नाम से हम जा सकते हैं ठीक, क्योंकि वो पापा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अच्छा व्यू देख सकते हैं, अंदर से पूरा महल हम देख सकते हैं। तो चलेंगे किसी दिन, तो इधर की वीडियो भी शूट करूँगी मैं। और चलिए आगे चलते हैं मिस्टर आद्विक, आद्विक के पापा, आद्विक के बाबा सब ना काम कर रहे हैं और ना, और उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए मना किया, कहते हैं आद्विक की वीडियो बना, हमारी नहीं बनानी। तो आद्विक के पापा को ना शर्म आती होगी वीडियो, क्या पता भाई आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते होंगे ना कि मैं इधर खुदाई कर रहा हूँ। भाई घर का काम तो करना ही पड़ता है, अब कोई भी हो, पापा भी तो है, पापा भी तो लेक्चरर रिटायर हैं, प्रधान हैं, पर वो भी तो काम कर रहे हैं, इसमें शर्म की क्या बात है। उठ गए आद्विक तो नहीं शर्माता। चलिए 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 ये आ गए हम, खुदाई चल रही है। ये मेरा घर, खूबसूरत घर, ये ना फेस नहीं दिखाएंगे इधर जानबूझ के। चलिए नहीं दिखाते तो हम, देश की शान झंडा है, देश की शान। आद्विक का म्यूजिक, आद्विक का गाना, चलो अपने दिखाती हूँ हमारे छोटे से पेड़ को कितने सारे आम लगे हुए हैं। ये देखो गुच्छों में आम लगे हैं, गुच्छों में, अरे कितने रहेंगे पता नहीं, रहने तो चाहिए सारे, बस बारिश नहीं आनी चाहिए, अगर तूफान वाली बारिश आ गई तो ये झड़ जाएंगे। पर ये हैं बहुत अच्छे, मतलब बाजारे आम होता है ना उस तरह का आम है ये। ये आद्विक का आसन, आद्विक का अपना, ये लगाया है यहाँ पे अभी, पर पता नहीं इसके ऊपर घास क्यों बिछा दिया है, शायद इसलिए कि पानी अच्छी तरह दिया जा सके, कुछ तो मैटर होगा, कुछ तो होगा रीजन।